कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा तीन तीन छोटेली वाइफ लेके आए। गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, सरकार आपकी है वहां पर। देखिए यूसीसी तो मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा तीन तीन छोटेली वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड तीन तीन शादी करे, कौन चाहेगा। तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। ये यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहां है इनकम, किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। पीयूसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहां है भैया, कहां हो रहा है आप? सिर्फ इसके अच्छा हमारे को ये बताइए कि शराब के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं याद करते? शराब लगाओ ना पाबंदी, बंद करो शराब। बीजेपी जाना सरकार में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महात्मा गांधी ने खुद बोला था, जैसा आपने गुजरात में लगाया चलो वैसा ही थोड़ा बहुत करके लगाओ ना, लगाओ आप जाना आप सरकार में। शराब पे आप नहीं लगाना, बंद नहीं करना चाहते। क्यों बंद नहीं करना चाहते? क्योंकि शाम में 6:30 बजते कि आपको होना, आपको ठंडा होना, आपको नहीं तो आप ढीले पड़ जाते। लगाओ ना आप, लगाओ वो तो। मैं तो उसको गंदी चीज बोलता हूँ, पूरी बुराइयों की जड़ शराब है, जिसकी वजह से भारत में हर साल मेरे ख्याल से 2 या 3 लाख लोग मरते एक्सीडेंट में, आधे ज्यादा तो शराब पी के टक्कर मारते। महिलाओं पर वायलेंस होता, बच्चों पे वायलेंस होता। आप बंद करो ना, अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शराब क्यों नहीं बंद करना चाह रही बीजेपी? बंद करो ना, चलो आपके स्टेट में लगा दो, बंद कर दो आप वहां नहीं बंद करेंगे तो। यूनिफॉर्म एंड कॉमन कोड में जमीन आसमान का फर्क है कि दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा या मिताक्षर स्कूल ऑफ थॉट रहेगा, बताओ हमारे को। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? और मेघालय मिजोरम नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को।
इकोनॉमी बैठ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं।